कांग्रेस ने 166 उम्मीदवारों में से 70% से ज्यादा नए चेहरों को चुना, जबकि 40% महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारा। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी को एक नए अवतार में पेश करने की कोशिश करते हुए कुल 166 उम्मीदवारों में से 70% से ज्यादा नए चेहरों को चुना है। उन्होंने 40% महिला उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने के अपने वादे पर अमल करने के साथ साथ हिंदी पट्टी में एक नया नेतृत्व खड़ा करने के मकसद से नई पीढ़ी के नए उम्मीदवारों को मौका दिया। उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान होगा, जो 10 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक चलेगा और नतीजे 10 मार्च को आएंगे। बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को केवल 7 सीटें मिली थी, जिनमें से 2 पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए थे। दरअसल पार्टी तुर्जामान अंशु अवस्थी ने बताया, अब तक घोषित कुल 166 नामों में से 125 पहली सूची में और 41 दूसरी सूची में है। इनमें से 119 उम्मीदवार पहली बार चुनावी मैदान में उतरेंगे। अवस्थी ने कहा कि प्रियंका गांधी ने सियासत में उन सभी को आगे लाने का प्रयास किया है जो आम लोगों के मुद्दों पर लड़ सकते हैं, चाहे वह महिलाओं, युवाओं या किसानों, पिछड़े या दलितों के मुद्दे हों। अवस्थी ने कहा कि घोषित उम्मीदवारों की सूची वर्षों से जाति और धर्म आधारित राजनीति से पीड़ित राज्य की राजनीति को एक नई दिशा देने के पार्टी के प्रयासों मिसाल पेश करती है। अवस्थी ने कहा कि युवाओं और अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती से काम करने वालों को टिकट दिए गए हैं। 125 नामों की पहली सूची में 26 ऐसे हैं जिनकी उम्र 35 साल तक है। उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है उनमें उन्नाव बलात्कार पीड़िता की 25 वर्षीय मां आशा सिंह, CAA विरोधी कार्यकर्ता और पार्टी प्रवक्ता सदर जाफर, आशा कार्यकर्ता पूनम पांडे, आदिवासी कार्यकर्ता रामराज गोंड शामिल है। अवस्थी ने कहा कि इसी तरह हापुड़ से भावना वाल्मीकि, सामाजिक कार्यकर्ता चरथवल से डॉक्टर यास्मीन राणा, ठाकुरद्वारा से सलमा आगा अंसारी, बिलारी से कल्पना सिंह, मेरठ दक्षिण से नफीस सैफी, सहारनपुर से सुखविंदर और पहली बार चुनाव लड़ने वालों में शामिल है।